ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम राम नाम वरानने ओ आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् नमस्कार नमस्कार क्षिटेज फ्रॉम देर ही गोज टू दर्मिटेज ऑफ अगस्तिया आज हम एकादश का पठन पाठन और श्रवन करेंगे इसमें चौरानवे श्लोक है पंचापसर तीर्थ करनी मुनि की कथा विभिन्न आश्रम में घूम कर श्री राम आदि का सुन के आश्रम में आना वहां कुछ काल तक रहकर उनकी आज्ञा से अगस्त के भाई तथा अगस्त के आश्रम पर जाना तथा अगस्त के प्रभाव का वर्णन अग्रद प्रय य सीता सुशोभना पृष्ठतु धनुष पानी लक्ष्मणो अनुजगा तदंतर आगे आगे श्री राम चले पी, बीच में परम सुंदरी सीता चल रही थी और उनके पीछे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण चल रहे चलने लगे राम इन द वन एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सीता इन द मिडिल एंड इन द रियर फॉलोड लक्ष्मण बो इन हैंड तो मनो विविधान शैल प्रस्थान बनानी च नदीश्च विविधा रम्या जगमतु सह सीतया सीता के साथ वे दोनों भाई भांति भांति के पर्वतीय शिखरों वनों तथा नाना प्रकार की रमणीय नदियों को देखते हुए अग्रसर होने लगे दे टू टूगेदर विद सीताउंटेन पीक्स एंड फॉरेस्ट एंड सैवरल चार्मिंग रिवर्स सार चक्रवाकाश नदी पुलीनचारी नाराशी ची युथा जलज तदेही उन्होंने देखा कहीं नदियों के तटों पर सारस और चक्रवाक विचर रहे हैं और कहीं खिले हुए कमलों और जलचर चर से युक्त सरोवर शोभा पाते पुरुषान मदोन्मत् पुरुषतान वराश च गजांश द्रुम वैरी न कहीं चित्त कपरे मृग यूथ बांधे चले जा रहे थे कहीं बड़े बड़े सींग वाले मधमत भैंसे तथा बड़े हुए दांतों वाले जंगली सुअर और वृक्षों के वैरी दंतार हाथी दिखाई देते थे मूविंग इन हर्ड्स हॉन्ड बफलो इन राट बोर्स एंड एलिफेंट्स द डिस्ट्रॉयर्स ऑफ ट्रीज ते गम लंबमाने दिवाकरे दृशु सहिता रम्यम तटाकम योजना दूर तक यात्रा तय करने के बाद जब सूर्य अस्तक चल को जाने लगा तब उन तीनों ने एक साथ देखा सामने एक बड़ा ही सुंदर तालाब है जिसकी लंबाई चौड़ाई एक एक योजन की जान पड़ती है पद्म पुष्कर संबादम गज यूते ही अलंकृतम सारसई ही हंसक काम ही संकुलम जलजाति वह सरोवर लाल और श्वेत कमलों से भरा हुआ था उसमें क्रीड़ा करते हुए झुंड के झुंड हाथी उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा सारस राजहंस और कल हंस आदि पक्षियों एवं जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्य आदि जंतुओं से वह व्याप्त दिखाई देता था Covering a long distance, they sighted together while the sun was going down a beautiful lake with an area of a square yojana, full of red and white lotuses, adorned with herds of elephants, and crowded with cranes, flocks of swans, and other aquatic creatures. Prasanna salile ramye tasmin sarasi sushruve gita vaditra nirgosho natu drishyate स्वच्छ जल से भरे हुए उस रमणीय सरोवर में गाने बजाने का शब्द सुनाई देता था किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था इन दैट ब्यूटीफुल लेक ऑफ क्लियर वाटर द साउंड ऑफ सिंगिंग एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर हर्ड बट नोबडी वाज टू बी सीन तथा क रामो लक्ष्मणश्च महारथ मुनिं धर्मव्रतम नाम प्रष्टुं सम उपचक्रमे तब श्री राम और भरती लक्ष्मण ने

श्री राम ये पंचाप्सर नामक सरोवर है जो सर्वदा अघात जल से भरा रहता है नामक मुनि ने अपने तप के द्वारा इसका निर्माण किया था दिस इज एवर फुल ऑफ वाटर एंड क्रिएटेड बाई सेज मंडाकर्णी बाई डिंट ऑफ इज एसेटिक पावर्स ओ रामा नहीं के महा मुनि ही दशवर्ष वर्ष वायुभक्षो जलाशय महामुनि मुनि ने एक जलाशय में रहकर केवल वायु का आहार करते हुए दस सहस्त्र वर्षो तक थी द्रेज सेज मांडकर्णी परफॉर्म सिवियर ऑस्टेटी इन द लेक लिविंग ऑन एयर लोन फॉर टेन थाउजेंड इस तथा प्रतिता पुरोग अब्रुवन वचनम सर्वे परस्पर समागताः उस समय अग्नि आदि सब देवता उनके तप से अत्यंत व्यथित हो उठे और आपस में मिलकर वे सब के सब इस प्रकार कहने लगे देयर अपॉन गेटिंग डिस्क्वाइटेड ऑल द गॉड्स विद द गॉड ऑफ फायर एट द हेड गैदरड टुगेदर एंड ऑल ऑफ देम स्पोक एज़ फॉलोस अस्माकं कस्यचि स्थानं एष प्रार्थयते मुनिहि यति संविग्न मनसः सर्वे तत्र दिवौ कसह जान पड़ता है ये मुनि हम लोगों से किसी के स्थान को लेना चाहते हैं ऐसा सोचकर वह सब देखता महामन ही मन उद्विक हो उठे। दिस सेज सीकिंग द स्टेट ऑफ समवन अमंग अस दस ऑल द डेनिजंस ऑफ हेवन फेल्ट डिस्टर्बड इन माइंड तथा कर्तुम तपोविग्नम सर्व देवे नियोजिताः प्रधान अप्सरस पंच विद्युत चलित वर्चस तब उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए संपूर्ण देवताओं ने पांच प्रधान अप्सराओं को नियुक्त किया जिनकी अंग कांति विद्युत के समान चंचल थी Then, for causing interruption in his austerities, all the gods appointed five principal nymphs with bodies flashing like lightning. Absarobhi, नीतो तदंतर जिन्होंने लौकिक एवं पर लौकिक धर्माधर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया था उन मुनि को उन पांच अप्सराओं ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए काम के अधीन कर दिया now that sage who had seen what is wholesome or otherwise in this world as well as in the other was captured with love by those nymphs for accomplishing the work of the gods tas chay patni panchamunege patnitvam agataha tataake nirmitam tasam Tasmin antarhitam griham Muniki ki patni bani hui vah panch यहाँ रहती हैं उनके रहने के लिए इस तालाब के भीतर घर बना हुआ है जो जल के अंदर छिपा हुआ है द सेम फाइव निम्स हैव बिकम द वाइव्स ऑफ द सेज इन द लेक हैज बीन बिल्ट अ सीक्रेट हाउस फॉर देम तत्रैव अप्सरसः पञ्च निवसन्त्यो यतासुकं रमयन्ति तपोयोगान् मुनिम् यवनम आस्थितम्

शब्दों मनोहर है विहार में लगी हुई उन अप्सराओं के ही वादों की यह ध्वनि सुनाई देती है जो भूषणों की झनकार के साथ मिली हुई है साथ ही उनके गीत का भी मनोहर शब्द सुन पड़ता है दिस इज द साउंड ऑफ द म्यूजिकल they एंड द mixed with the दे आर प्लेइंग that is ऑफ sound that इज द साउंड आश्चर्य वचन भावितात्म राघव प्रति जग्राह सह भ्रात्र महायशा अपने भाई के साथ महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने उन भवितात्मा महर्षि की इस कथन को यह तो बड़े आश्चर्य की बात है यो कहकर स्वीकार किया राघव ऑफ ग्रेट टुगेदर ब्रदर एक्सेप्टेड द रिपोर्ट ऑफ द प्योर माइंडेड सेज अ पीस ऑफ़ एवं कथर्श आश्रम मंडलम कुश चीर परिप्तम बाह्य लक्ष्म स इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी को एक आश्रम मंडल दिखाई दिया

है आश्रम नंदनी सीता तथा लक्ष्मण के साथ उस तेजस्वी आश्रम मंडल में प्रवेश करके कुकभूषण श्री राम ने उस समय पूर्वक निवास किया वहां के महा ऋषियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया राघव टूगेदर विथ वाई देखो महर्षि पर महान अस्त्रों के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी बारी बारी से उन सभी तपस्वी मुनियों के आश्रम पर गए

चतुरो मासान पंच षट्च परान क्वचित अपरात्रादिकान मासान अध्यर्द मधिकम क्वचित कहीं दस महीने कहीं साल भर कहीं चार महीने कहीं पांच या छह महीने कहीं इससे भी अधिक समय अर्थात सात महीने कहीं उससे भी अधिक आठ महीने कहीं आधे मास अधिक अर्थात साढ़े आठ महीने कहीं तीन महीने और कहीं आठ और तीन अर्थात ग्यारह महीने तक श्री रामचंद्र जी ने सुखपूर्वक निवास किया राघबली स्टेट फॉर फोर मंथ समाइव सिक्स एंड इवन मोर एल्स वे फॉर मोर मंथ समॉर हाफ अ मंथ मोर एंड इन अदर हमिटेजेस फॉर एट एंड थ्री मासान

सुतीक्षण से आश्रम पदम पुनरव स तम आश्रम आगम्य मुनि भी परिपूजि शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम इस आश्रम में आकर वहाँ रहने वाले मुनियों द्वारा बलि बलिभांति सम्मानित हो वहाँ भी कुछ काल तक रहे Coming to that hermitage and honored by the sages, the said Rama, the vanquisher of foes, stayed there also for some time.

उपासीदम अब्रवीत अस्वन अगस्त्यो मुनि सप्तम है भगवन, मैंने प्रतिदिन बातचीत करने वाले लोगों के मुंह से सुना है कि इस वन में कहीं श्रेष्ठ अगस्त जी निवास करते हैं किंतु इस वन की विशालता के कारण मैं उस स्थान को नहीं जानता हूँ Sir, I have heard from those talking amongst themselves that Agastya, the foremost of sages, permanently dwells in this forest. However, due to the vastness of this forest, I do not know that place. Vasati iti maya nityam kataha katayatam sutam natu janami tam desham vanasya asya mahatthaya. Where is the lovely sight of the hermitage of that wise and eminent sage? There exists a great desire in my heart that I should get an opportunity to pay my obeisance to Sage Agastya, along with my younger brother and Sita, for obtaining his grace. <speaking in foreign language> अभिवादयितुं मुनिं मनोरथो महान एष कृदि संपरिवर्तते उन बुद्धिमान महर्षि का सुंदरम आश्रम कहाँ है मैं लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान अगस्त को प्रसन्न करने के लिए उन मुनीश्वर को प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके आश्रम पर जाऊं ये महान मनोरथ मेरे हृदय में चक्कर लगा रहा है यदहम तम मुनिवरम

मैं चाहता हूँ कि स्वयं ही मुनिवर अगस्त की सेवा करूँ धर्मात्मा श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दशरथ नंदन से इस प्रकार बोले रघुनंदन मैं भी लक्ष्मण सहित आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सीता के साथ महारिषि अगस्त के पास जाए सौभाग्य की बात है कि इस समय आप स्वयं ही मुझसे वहां जाने के विषय में पूछ रहे हैं i desire that i may personally do some service also to that great sage pleased to hear this submission of the righteous rama the aforesaid sage sutikshana replied as follows to the son of Dasharatha. i too wanted to tell you as well as lakshmana the same thing that is you should go to agastya along with sita or raghava it is good that you are speaking to me about this yourself अयम आख्यामी राम यत्र अगस्त्यो महामुनि योजना चुरी वही तथा श्री राम महामुनि अगस्त जहाँ रहते हैं उस आश्रम का पता भी अभी आपको बताए देता हूँ तात इस आश्रम से चार योजन दक्षिण चले जाइए वहाँ आपको अगस्त के भाई का बहुत बड़ा एवं सुंदर आश्रम मिलेगा I am just telling you, O Rama, where the great sage Agastya lives. Proceed, O dear son, southward to a distance of four yojanas from this hermitage. There lies, in a well nigh flat portion of the forest, the great and grand hermitage of Agastya's brother. Agastya Bratuhu Tali Praya Banod Deshe. पिप्पली वन शोभिते बहु पुष्प फले रम्ये नाना विहग नादिते पद्मिन्ये विविधाहा तत्र प्रसन्न सलिलाशयाहा हंस कारंड कारंडव आकीर्ण चक्र वाकोप शोभिताहा वहां की वन की भूमि प्राय समतल है तथा पिपली का वन उस आश्रम की शोभा बढ़ाता है वहां फूलों और फलों की बहुतायत है नाना प्रकार के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस रमणीय आश्रम के पास पांति पांति के कमल मंडित सरोवर है जो स्वच्छ जल से भरे हुए हैं हंस और कांडव आदि पक्षी उनमें सब और फैले हुए हैं तथा चक्रवाक उनकी शोभा बढ़ाते हैं That hermitage is adorned with a grove of pipali, long pepper trees, nay, having many flowers and fruits, and charming and resonant with the chirping of various birds. There are several lotus ponds and lakes with lip water, crowded with swans and karandavas, and adorned with chakravaka birds. Tatray kam rajanim yushya Ramagam ramagamyatam. दक्षिणाम दिशं अस्ताय वनकण्डस्य पार्श्वतः तत्र अगस्त्य आश्रमपदं गत्वा योजनं अन्तरं रमणीये वनोदेशे बहुपादपशोभिते श्री राम आप एक रातुष आश्रम में ठहरकर प्रातः काल उस वनखंड के किनारे दक्षिण दिशा की ओर जाएं इस प्रकार एक योजन आ, आगे जाने पर

सही रम्यो वनोदेश बहु पादप संयुत है वहाँ विधे नंदनी सीता और लक्ष्मण आपके साथ सा आनंद सा विचरण करेंगे क्योंकि बहुसंख्यक वृक्षों से सुशोभित वे वन प्रांत बड़ा ही रमणीय है There, Vaidehi and Lakshmana will dwell happily with you, for that is a charming part of the forest with many trees. यदि बुद्धि ही कृता दृष्टुम अगस्त्यम तं महामुनिम् अद्यैव गवने बुद्धिं रोचयस्व महामथे महामते यदि आपने महामुनि अगस्त के दर्शन का निश्चित विचार कर लिया है तो आज ही वहां की यात्रा करने का भी निश्चय करें इफ यू हैव मेड अप योर माइंड टू सी दैट ग्रेट सेज अगस्त्य ओ हाइली इंटेलिजेंट प्रिंस डिसाइड टू प्रोसीड दिस वेरी डे इति रामो मुनेह श्रुत्वा सात्र अभिवाद्य प्रतस्ते अगस्त्यम उद्देश्य सानुग सह सीतया मुनि का यह वचन सुनकर भाई सहित श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ अगस्त जी के आश्रम की ओर चल दिए Hearing thus the sage's words and saluting him with his brother, Rama set out with Lakshmana and Sita to meet Agastya. पश्यन वना चिरा पर्वता अब्रसन्नीभा सरांसी सरित पति मार्ग मार्ग में मिले हुए विचित्र विचित्र वनों में एक माला के समान पर्वत मालाओं और सरोवरों और सरिताओं को देखते हुए वे आगे बढ़ते गए सुतीक्षण उपदिष्टेन गत्वा तेन पता सुखम इदम परम संहृष्टो वाक्यम लक्ष्मणम अब्रवीत इस प्रकार सुतीक्ष के बताए हुए मार्ग से सुख पूर्वक चलते चलते श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत हर्ष में भर कर लक्ष्मण से यह बात कही क्लाउड लाइक ऑन द वे प्रोसीडेड द पाथ डायरेक्टेड बाय सुना एंड बीइंग सुप्रीमली डिलाइटेड ही स्पोको लक्ष्मण आश्रम पदम नूनम तस्य तहात्म

पिप्पली नाम च पक्वानाम वनात् अस्माद् उपागतः गन्धो अयम् पवनोत्क्षिप्तः सहसा कटुकोदयः इस वन में पकी हुई पिपलियों की और गंध वायु से प्रेरित होकर सहसा इधर आई है जिससे कूटु रस का उदय हो रहा है दिस सेंट ऑफ द राइट पिप्पली फ्रूट

स्वयं अर्जित यहाँ के एकांत एवं पवित्र तीर्थों में स्नान करके आए हुए ब्राह्मण स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों से देवताओं के लिए पुष्प अर्पित करते हैं। होली वॉटर्स द ब्राह्मणिंग ऑफरिंग टू द गॉड्स विद द फ्लॉवर्स कलेक्टेड बाई दे तथा सौम्य मा श्रुतम अगस्त्यस्य आश्रमो ब्रातुहु नूनं एष भविष्यति सौम्य मैंने सुतीक्षण का कथन जैसा सुना था उसके अनुसार ये निश्चय ही अगस्त जी के भाई का आश्रम होगा निगृह्य तरसाम मृत्यु लोकानां हितकाम्यया यस्य ब्रात्रा कृतेयं दिक्षरण्या पुण्यकर्मणा इन्हीं के भाई पुण्य कर्म अगस्त जी ने समस्त लोगों के हित की कामना से मृत्यु स्वरूप और इल्वल का वेग पूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग बना दिया Hence, o great Lakshmana, according ग्रेट लक्ष्मण अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन हर्ड me, मी this दिस मस्ट बी hermitage ऑफ द ब्रदर ऑफ Agastya, by whose ब्रदर Agastya ऑफ होली deeds. With intent to do good to the people and controlling by his spiritual might, death, in the form of the ogres Vatapi and Ilvala, this southern quarter has been made habitable. <laughs> एक समय की बात है यहाँ क्रूर स्वभाव वाला वातापी और इलवल ये दोनों भाई एक साथ रहते थे ये दोनों महान असुर ब्राह्मणों की हत्या करने वाले थे. brahmanas, वातापी एंड also इलवला धारयन ब्राह्मणम रूपम इलवल है संस्कृतम बधन आमंत्री विप्रां स श्राद्धम उद्देश्य निर्गृण भ्रातरम संस्कृत कृत्वा ततस्तम मेष रूपिणम तान विद्वान बोधयामास है। श्राद्ध दृष्टेन कर्मणा निर्दयी इल्वल ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ जाता और श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आता था फिर मेष जीव जीव शाक का रूप धारण करने वाले अपने भाई वातपिका संस्कार करके श्रद्धा कलोप विधि से ब्राह्मणों को खिला देता था Assuming the form of a brahmana and speaking Sanskrit, that merciless Ilvala used to invite brahmanas for the sake of Shraddh. Thereupon, cooking that brother of his who used to take the form of a ram,

उट इन आउटुर्वच्छी शरीर ब्राह्मण नाम की बात सुनकर वातापी भेड़े के समान मैं मैं करता हुआ उन ब्राह्मणों के पेट फाड़ फाड़ कर निकल जाता था

दो, गता है। उसने जो ही द्विजराज अगस्त पर धावा किया त्यों ही जितेज वाले मुनि ने अपनी अग्नि तुल्य दृष्टि से उस राक्षस को कर डाला, इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई ही अटैक द इंद्र fire-like एंड by that विद फायर लाइक lustre, बाय died। डाइड तस्यायम आश्रमो ब्रातुहु भ्रातुः तटाकवनशोभितः विप्रानुकंपया येन कर्मेदम् दुष्करम् कृतम् ब्राह्मणों पर कृपा करके जिन्होंने ये दुष्कर कर्म किया था उन्हीं महर्षि अगस्त के भाई ये आश्रम भाई का ये आश्रम है जो सरोवर और वन से सुशोभित हो रहा है दिस इज द हर्मिटेज ब्यूटिफाइड बाय लेक्स एंड फॉरेस्ट्स

having performed his evening devotions according to the scriptural ordinance together with his younger brother he entered the site of the hermitage and greeted that sage samyat pratigrihitah tu munina tena ragavah navasattam nisham kam prasya moolapalaanich munine unka yathavat aadar satkar kiya sita aur lakshman sahit shri ram

अगस्त के भाई से विदा मांगते हुए कहा वेन द नाइट है सुखम अस्वी उम आमंत्रे गच्छा गुरु ते दृष्टुम अग्रजम भगवान मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ यह रात भर बड़े सुख से रहा हूं अब आपके बड़े भाई मुनिवर अगस्त्य का दर्शन करने के लिए जाऊंगा इसके लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ यू आई एम गोइंग टू सी योर रेवियर्ड इति तेनोक्तो जगाम रघुनंदन यथोदिष्टेन तो मार्गन वनम तोक तब तो महर्षि ने कहा बहुत अच्छा चाहिए इस प्रकार महर्षि से आज्ञा पाकर भगवान श्री राम सुतीक्षण के बताए हुए मार्ग से वन की शोभा देखते हुए आगे चले spoken to by him in the words you may go the delight of raghu left along the path pointed out to him seeing that forest neevaran panasan saalan vanjulam sinisham kathaa ciri bilwaan

श्री राम ने वहां मार्ग में निवार जल कद कदम कटहल अशोक महुआ बेल तेंदु तथा और भी सैकड़ों जंगली वृक्ष देखे जो फूलों से भरे हुए थे तथा खिली हुई लताओं से परिवेशित हो बड़ी शोभा पा रहे हैं थे उनमें से कई वृक्षों को हाथियों ने अपनी सूंडों से तोड़कर मसल डाला था और बहुत से वृक्षों पर बैठे हुए वानर उनकी शोभा बढ़ाते थे सैकड़ों मतवाले पक्षी उनकी डालियों पर चहक रहे थे रामा सोद हंड्रेड ऑफ ट्रीज निवारा बनसा साल वंजुला तिनिशा चिरी बिल्वा एंड मधुका एंड मधुका बिल्वा एंड तिंडुका टू इन फ्लावर एंड ब्यूटिफाइड बाय ब्लॉसमिंग क्लाइंबर्स

दस द लोटस टाइल ड्रामा सेट टू दीरो आश्रमो न अति दूरस्थो मगर से भाविता है यहाँ के वृक्ष के पत्ते जैसे सुनने सुने, सुने गए थे वैसे ही चिकने दिखाई देते हैं तथा पशु और पक्षी क्षिम्षी क्षमाशील एवं शांत है इससे जान पड़ता है कि उन अंत वाले महर्षि अगस्त का आश्रम से अधिक दूर नहीं बर्ड आर डोसाइल प्योर सोल्ड ग्रेथ सेज इज नॉट फार अगस्त्य लोके स्व कर्मणा आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रांत आश्रमाप है तो अपने कर्म से ही संसार में अगस्त के नाम से विख्यात हुए हैं उन्हीं का यह आश्रम दिखाई देता है जो थके मदे पथिकों की थकावट को दूर करने वाला है प्राज्य धूमा कुल वन चीर माला परिष्कृत है प्रशांत मृग यूत नाना शकुनिनादिता है इस आश्रम के वन संबंधी अधिक से व्याप्त है। चीर वस्त्रों की पंक्तियां इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ के मृग के झुंड सदा शांत रहते हैं तथा इस आश्रम में नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव गूंजते रहते हैं द हमिटेज रिलीविंग दटीक ऑफ द टायर्ड ऑफ as Agastya, by his own deed, is seen filling the forest with the smoke rising from oblations thrown into the sacred fire, adorned with bark garments and garlands containing very peaceful herds of deer and resounding with the cries of various birds. प्रभावाद यस्य राक्षसैहि दिगीयं दक्षिणा त्रासाद दृश्यते न उपबुज्यते जिन पुण्य कर्मों महर्षि अगस्त ने समस्त लोकों की हित कामना से मृत्यु स्वरूप राक्षसों का वेग पूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया था, था जिनके प्रभाव से राक्षस इस दक्षिण दिशा को केवल दूर से भयभीत होकर देखते हैं

दिगम पुण्यकर्मणा तदा प्रभृति निर्वैराहा प्रशांता रजनी पुण्यकर्म पुण्य कर्म महर्षि अगस्त ने जब से इस दिशा में पद अर्पण किया है तब से यहाँ के निशाचर वैर रहित और शांत हो गए नो no on by this सेट फुट ऑन बाय that द नाइट wanderers बिकेम एक्सट्रीमली क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम enmity. दक्षिणा दिख प्रदक्षिणा क्रूर कर्म भी अगस्त की महिमा से इस आश्रम के आसपास आदि गुणों के संपादन में समर्थ तथा कूर कर्मो राक्षसों के लिए दुर्जय होने का कारण ये संपूर्ण दिशा नाम से भी तीनों लोकों में दक्षिणा ही कहलाई इसी नाम से विख्यात हुई तथा इसे

एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंदे सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बड़ा था किंतु महर्षि अगस्त ने के कहने से वह नम्र हो गया तब से आज तक निरंतर उनके आदेश का पालन करता हुआ वह कभी नहीं बढ़ता। ओबेइंग विध्या माउंटेन्सोस्ट ऑफ माउंटेन्स इज नॉट ग्रोइंग अप्रक्ट पाथ ऑफ द सन आयम दीर्घायुष तस् अगस्त्य आश्रम अगस्त्यस्य श्रीमान विनीत विनित मृगसेवितः है दीर्घायु महात्मा उनका सम समुद्र शोषण आदि कार्य तीनों लोक में विख्यात है उन्हीं अगस्त का यह शोभा संपन्न आश्रम है जो विनीत मृगों से सेवित है दिस इज द tame हर्मिटेज द रिसोर्ट ऑफ lived एनिमल्स ऑफ deeds लिव्ड अगस्त्य well known नोन इन world. एष लोकार्चितः साधुर हिते नित्यं रतः सथाम अस्मान् अधिकतां एष श्रेयसा योजयिष्यति ये, ये महात्मा गस्ची संपूर्ण लोगों के द्वारा पूजित तथा सदा सज्जनों के हित में लगे रहने वाले हैं अपने पास आए हुए हम लोगों को वे अपने आशीर्वाद से कल्याण के भागी बनाएंगे

त्यक्त्वा देहान् नवैर्देहैहि स्वर्याताः परमर्षयः इस आश्रम पर अपने शरीर को त्याग कर अनेका अनेक सिद्ध महात्मा महर्षि नूतन शरीर के साथ सूर्य तुल तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं Here exalted and realized souls and greatest sages endowed with new bodies have ascended to heaven in aerial cars bright as the sun आराधिता शुभ यहाँ सत्कर्म पायन प्राणियों द्वारा आराधित हुए देवता उन्हें यक्ष अमरत्व तथा नाना प्रकार के राज्य प्रदान करते हैं

और महर्षियों को सीता के साथ मेरे आगमन की सूचना दो ओ सन ऑफ सुमित्र हैव रीच दीता श्रीमद् रामायणी वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे एकादश सर्ग है इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में ग्यारवा सर्ग पूरा हुआ दस इन स्कैंटो लेवन इन दरण्य कांडम ऑफ द ग्लोरियस रामायना ऑफ वाल्मीकि द वर्क ऑफ ऋषि एंड द ओल्डेस्ट एपिक ओम श्री राम राम रामे रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने ओम आपदाम पहर्ता राम दाता राम सर्व संपदां लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहं धन्यवाद धन्यवाद